हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि सर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जेआईबी सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध से हमें बात करें। सीआईबी का बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्वेश्चन बैंक नंबर 6 है। यहाँ एक छोटा अनाउंसमेंट करना है। क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट करने से पहले, यहाँ पे हमारे पास दो तरह की कोर्सेज होती हैं, एक है शॉर्ट टर्म, दूसरा है इंडेप्थ वीडियो। दोनों के दोनों कोर्सेज आपके अकाउंट में दिखेंगे। शॉर्ट टर्म कोर्सेज सबसे बड़ा फायदा है कि अगर समय कम हो, मान लेते 10 मिनट का भी समय आप निकाल कर दिन पढ़ते हैं, तो भी आप आराम से हंसते खेलते हुए 55 नंबर या 55% नंबर आप ले आ पाएंगे। अगर आप इसकी जो वीडियो लेक्चर लेंथ होती है, बेसिकली 22 घंटे की लेंथ होती है, जिसको आप चाहो तो 1 दिन से 2 दिन के टाइम में इसको भी आप ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। और इंडेप्थ वीडियो उनके लिए होता है जो थोड़ा नंबर लाना चाहते हैं, 75% एंड अबव। तो आपको हर दिन 1 घंटा का समय निकाल के पढ़ना चाहिए। 80 घंटे का यहाँ पर वीडियो लेक्चर का लेंथ होता है, ठीक है। दोनों ही जगह आपको वीडियो लेक्चर की कोर्स है। दो केस स्टडी का वीडियो, 12,000 से 2 क्वेश्चन बैंक, 30 मॉक टेस्ट रिवीजन, और अवेलेबिलिटी 6 महीने अवेलेबिलिटी लाइफ लॉन्ग। एबीएम बीएफएम रिटेल बैंकिंग करेंगे, इसका दाम है 1,000 रुपये, इसका दाम है 1,500 रुपये। एबीएम प्लस बीएफएम करेंगे, दाम है 1,700 रुपये, इसका दाम है 2,700 रुपये। कॉमो पे करेंगे, दाम है 2,300 रुपये, इसका दाम है 3,500 रुपये। अब भाई पहले सवाल क्या है, बोलो। अब सवाल क्या है, वाई एक्सचेंज रेट फॉर परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी आर मोस्ट अनफेवरेबल। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बोलता क्यों ऐसा होता है कि एक्सचेंज रेट जहाँ पर परचेज करते हो या सेल करते हो, एक्सचेंज रेट जहाँ परचेज करते हो या फिर चाहे सेल करो फॉरेन करेंसी, ज़्यादातर अनफेवरेबल होता है, ऐसा क्यों? ये ऑप्शन है, होल्डिंग कॉस्ट ऑफ करेंसी इज हाई, जो होल्डिंग कॉस्ट होता है करेंसी का वो बहुत महंगा होता है। बी ऑप्शन है, बैंक डज नॉट गेट एनी एक्सचेंज कमीशन, बैंक को एक्सचेंज कमीशन नहीं मिलता है। सी ऑप्शन हो गया, बैंक रन्स द रिस्क ऑफ काउंटरफिट करेंसी, नकली नोट की भी बैंक एक रिस्क रहता है। बोथ ए एंड सी, डी ऑप्शन हो गया, ऑल ऑफ दिस। जब हम बात कर रहे हैं कि एक्सचेंज रेट, चाहे परचेज करोगे फॉरेन करेंसी चाहे फॉरेन करेंसी को बेचोगे, दोनों सिचुएशन में जो कस्टमर होता है उसके लिए फेवरेबल नहीं होता है, उसके लिए अनफेवरेबल होता है। एक कारण बता रहे कि होल्डिंग कॉस्ट जो होता है करेंसी का वो हाई होता है, यानी जो बैंक को होल्डिंग कॉस्ट लगा रखना पड़ता है बेसिकली हाई होता है। क्या बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है। बी दूसरा ऑप्शन बोलता है कि बी ऑप्शन बोलता है, बैंक डज नॉट गेट एनी कमीशन, ऐसा होगा ही नहीं। बैंक बिना कमीशन के कभी काम करता है क्या? बैंक कभी बिना कमीशन के काम नहीं करेगा, तो ये गलत ऑप्शन है। फिर तीसरा, बैंक रन्स द रिस्क ऑफ काउंटरफिट करेंसी, ये भी नहीं। काउंटरफिट करेंसी कहाँ से रिस्क आया भाई? क्यों? क्योंकि बैंक को पता है असली नोट क्या होता है, नकली नोट क्या होता है। बैंक है, उसको सब पता है कौन किस देश का भी, जिस देश का भी नोट है उसको मालूम है असली नोट कौन सा, नकली नोट कौन सा। इसलिए भी ये भी रॉन्ग हो गया आपका। सही आंसर हो गया केवल ए, ठीक है। होल्डिंग कॉस्ट ऑफ करेंसी इज हाई। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, द डिफरेंस बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग रेट कोटेड बाय एन ऑथराइज्ड डीलर इज कॉल्ड। बोलता है जो डिफरेंस होता है जहाँ पे बाइंग और सेलिंग रोड को जो रेट को जो कोट करता है ऑथराइज्ड डीलर से, हम क्या बोलते हैं, यानी जो अंतर होता है बाई रेट करना सेल रेट करना, जो उसको कि कोट ऑथराइज्ड डीलर करता है, इसे हम क्या बोलेंगे? ये ऑप्शन है डीलर्स मार्जिन, बी ऑप्शन डीलर्स स्प्रेड, सी ऑप्शन है डीलर्स कमीशन, डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो क्या होगा, डीलर्स मार्जिन हो गया ऑप्शन, बी ऑप्शन हो गया डीलर्स स्प्रेड, सी ऑप्शन है डीलर्स कमीशन, डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। जब भी कोई डिफरेंस होता है ना बाइंग और सेलिंग रेट का, जो कोट करते हैं ऑथराइज डीलर, ऑथराइज डीलर कौन होते हैं, जो आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप बोल सकते हो फॉरन एक्सचेंज का भी करते हैं ये, तो आप बोल सकते हो डीलर्स स्प्रेड होता है ये, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, ए कस्टमर वांट्स टू सब्सक्राइब ए टू ए मैगजीन पब्लिश्ड इन पेरिस, ठीक है। द एक्सचेंज रेट फॉर द ड्राफ्ट विल बी, बोलता है कोई कस्टमर चाहता है मैगजीन खरीदना जो कि पेरिस से पब्लिश होता हो, तो किस तरह का एक्सचेंज रेट ड्राफ्ट पे लगेगा? ए ऑप्शन है टीटी बाइंग, बी ऑप्शन है टीटी सेलिंग, सी ऑप्शन है टीटी सॉरी बिल्स से बाइंग, बिल्स से सेलिंग, डी ऑप्शन होगी बिल्स बाइंग। बताइए, जो कस्टमर चाहता है पेरिस मैगजीन, पेरिस से जो पब्लिश होता है मैगजीन उसको सब्सक्राइब करना, जो है एक्सचेंज रेट लगेगा, तो ये ऑप्शन टीटी बाइंग, बी ऑप्शन टीटी सेलिंग, सी ऑप्शन है टीटी बिल्स सेलिंग, डी ऑप्शन है बिल्स बाइंग, ई ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो क्या लग जाएगा इस केस में? इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा टीटी सेलिंग। क्वेश्चन नंबर वे बी हो गया, ओके आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, योर नॉन रेसिडेंट कस्टमर प्रेजेंट्स ए ड्राफ्ट इन फॉरेन करेंसी फॉर विच कवर हैज़ ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड इन नोस्ट्रो अकाउंट, द रेट ऑफ एक्सचेंज बी आर टू बी अप्लाइड टू द ट्रांजेक्शन विल बी। बोलते हैं जो नॉन रेसिडेंट कस्टमर होते हैं, क्या जो नॉन रेसिडेंट कस्टमर होते हैं वो प्रेजेंट करता है ड्राफ्ट
आपको फॉरेन करेंसी में, जहाँ पे कि कवर करेगा नो, जो कि ऑलरेडी प्रोवाइडेड है नोस्ट्रो अकाउंट में, वो जो कि कवर होगा नोस्ट्रो अकाउंट में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, जो रेट ऑफ एक्सचेंज जो अप्लाई होगा सर ट्रांजेक्शन में क्या होगा, मतलब जो आपका नॉन रेजिडेंट कस्टमर है जो प्रेजेंट करता है ड्राफ्ट फॉरेन करेंसी में, जहाँ पे कवर करता है ऑलरेडी जो कि प्रोवाइड करेगा नोस्ट्रो अकाउंट में, ये जो रेट है जो एक्सचेंज का अप्लाई होगा स्टार ट्रांजेक्शन में, उसको क्या बोलेंगे? ए ऑप्शन हो गया टी टी बाइंग, बी ऑप्शन हो गया बिल्स बाइंग, सी ऑप्शन हो गया बिल्स, ए ऑप्शन हो गया टी टी बाइंग, बी ऑप्शन हो गया बिल्स सेलिंग, सी ऑप्शन हो गया बिल्स बाइंग, डी ऑप्शन हो गया टी टी सेलिंग, ये ऑप्शन हो गया नन ऑफ दिस। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में? इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा टी टी बाइंग ए। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, योर इम्पोर्टर कस्टमर हैज़ टू रिटायर हिज इम्पोर्ट बिल, द रेट ऑफ एक्सचेंज टू बी अप्लाइड विल बी। बोलता है जो इम्पोर्टर कस्टमर है, जो कस्टमर इम्पोर्ट करता है, उसका इम्पोर्ट बिल अब रिटायर हो रहा है, यानी वो इम्पोर्ट बिल अब कोई काम का नहीं है, तो जो रेट ऑफ एक्सचेंज अप्लाई होगा वो कौन सा अप्लाई होगा? ए ऑप्शन है बिल्स बाइंग, बी ऑप्शन है टी टी सेलिंग, सी ऑप्शन है बिल्स सेलिंग, डी ऑप्शन है टी टी बाइंग, ई ऑप्शन नन ऑफ दिस। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में? सही ऑप्शन हो जाएगा बिल्स सेलिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी आंसर हो जाएगा, सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, यू हैड नेगोशिएटेड एन एक्सपोर्ट बिल ऑफ योर कस्टमर इन मई 2022, द बिल हैज़ बीन रिटर्न बाय द ओवरसीज बायर फॉर सम रीजन्स, एंड एडी यानी ऑथराइज डीलर हैज़ टू डेबिट हिज कस्टमर्स अकाउंट विथ इंडियन रुपीज, द रेट टू बी अप्लाइड विल बी। बोलता है नेगोशिएटेड का मतलब समझते हैं ना, ट्रांसफ़र। नेगोशिएटेड मतलब होता है ट्रांसफ़र, एक नेगोशिएट ट्रांसफ़र किया है एक्सपोर्ट बिल, कस्टमर जो एक एक्सपोर्ट बिल को ट्रांसफ़र किया गया है कस्टमर के लिए जो मई 2022 में, तो ये बिल जो है रिटर्न कर दिया गया, बिल को क्या हो गया रिटर्न कर दिया गया ओवरसीज़ बायर के द्वारा, ओवरसीज़ बायर के द्वारा बिल रिटर्न कर दिया गया कुछ कारण से, जो ऑथराइज डीलर है जिसको मैं एडी बोलता हूँ, ऑथराइज डीलर जो डेबिट कर देगा कस्टमर के अकाउंट को, वो भारतीय रुपये से डेबिट करता है, तो कौन सा रेट अप्लाई होगा? आपने भेजा डॉलर्स के टर्म पे, मान लीजिए फॉरेन कंट्री ओवरसीज़ बायर है, डॉलर के टर्म में आपने भेजा होगा, बट भारत में अकाउंट डॉलर में तो चलता नहीं, तो इंडियन रुपये में चलता है, इंडियन रुपये से डेबिट किया, तब यहाँ पे कन्वर्जन रेट लग जाएगा आपको, तो कौन सा रेट लगेगा? ए ऑप्शन है बिल्स बाइंग, बी ऑप्शन है टी टी सेलिंग, सी ऑप्शन है टी टी बाइंग, डी ऑप्शन है बिल्स सेलिंग, ई ऑप्शन नन ऑफ दिस। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? हो जाएगा टी टी सेलिंग। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टी टी बाइंग रेट विल नॉट बी अप्लाइड। ठीक है, इनमें से कौन सी जगह पर टी टी बाइंग रेट अप्लाई नहीं होगा? ए ऑप्शन हो गया पेमेंट ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, पेमेंट ऑफ डी डी ड्रॉन ऑन द पेइंग बैंक, यानी जो पेमेंट ऑफ डी डी का ड्रॉ करेंगे पेइंग बैंक के ऊपर। बी ऑप्शन है कैंसिलेशन ऑफ आउटवर्ड टी टी और एम टी, टेलीग्राफिक ट्रांसफर और मनी ट्रांसफर जॉब करेंगे उसको। सी ऑप्शन है कन्वर्जन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेंट फॉर कलेक्शन, डी ऑप्शन है यानी कन्वर्जन करेंगे जो प्रोसेस आपने भेजा हुआ है कलेक्शन करने के लिए इंस्ट्रूमेंट को। परचेज ऑफ फॉरेन डी डी ड्रॉन अब्रॉड, परचेज करेंगे फॉरेन का डिमांड ड्राफ्ट जो कि ड्रॉ होगा अब्रॉड में, तो यहाँ पूछ क्या रहा है कहाँ पर टी टी बाइंग रेट लगेगा? ठीक है, कहाँ पर टी टी बाइंग रेट लगेगा? तो यहाँ पर जब बात कर रहे हैं पेमेंट ऑफ डी डी ड्रॉन ऑन द पेइंग बैंक, यहाँ पर नहीं लगेगा। फिर है कैंसिलेशन ऑफ आउटवर्ड टी टी और एम टी पे भी नहीं लगेगा। कन्वर्जन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स सेंट फॉर कलेक्शन, इसमें भी नहीं लगेगा। डी ऑप्शन हो जाएगा जो परचेज ऑफ फॉरेन डिमांड ड्राफ्ट ड्रॉन अब्रॉड, ठीक है, ये बिल्कुल लगेगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टी टी सेलिंग रेट विल नॉट बी अप्लाइड। ठीक है, विल नॉट बी अप्लाइड है, ये नॉट है, ये ऑप्शन है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ओवर ड्यू एक्सपोर्ट्स, इस पर लगेगा क्या? तो इस पर लगेगा, यानी टी टी सेलिंग रेट इस पर लगेगा। ठीक है, फिर हो जाएगा ओवर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ओवर ड्यू, मतलब क्रिस्टलाइजेशन मतलब तो कन्वर्जन करना, यानी लिक्विड यानी इसको बोल सकते हैं लिक्विडेट करना, लिक्विडेट। लिक्विडेट कर रहे हैं आप, तो क्रिस्टलाइज ऑफ ओवर ड्यू एक्सपोर्ट बिल्स पे टी टी सेलिंग रेट नहीं यहाँ पे लगेगा। फिर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ओवर ड्यू इम्पोर्ट बिल्स पे भी आपको टी टी सेलिंग रेट यहाँ पे भी लगेगा। ठीक है, फिर इश्यू ऑफ फॉरेन डी डी और एम टी यहाँ पे भी लगेगा आपको। फिर कैंसिलेशन ऑफ यहाँ पे नहीं लगेगा, सॉरी क्रिस्टलाइजेशन ओवर ड्यू इम्पोर्ट बिल्स पे नहीं लगता है,
इस जगह पे आपको नहीं लगेगा, कहाँ पे जो बी ऑप्शन है ना इस पे नहीं लगेगा, ऐसा समझिए आप। कैंसिलेशन ऑफ ओवरड्यू एक्सपोर्ट बिल्स पे तो लगेगा, बट जैसे ही इम्पोर्ट बिल्स आ जाएगा तो यहाँ पे नहीं लगता है। फिर जब इशू करते हैं इशू फॉरन डीडी और एमटी, तो यहाँ पे इसको आप टिक मार लीजिए, ठीक है। मतलब यहाँ पर टीटी सेलिंग रेट लगेगा, टीटी सेलिंग रेट, और यहाँ पे भी टीटी सेलिंग रेट लगेगा जहाँ इशू करेंगे फॉरन डीडी और एमटी। बट जैसे ही कैंसिलेशन करोगे आउटवर्ड ऑफ टीटी और एमटी, तो यहाँ पे भी नहीं लगता है सेलिंग रेट आपको, यानी दो ऑप्शन में नहीं लगेगा, बी और डी में। या कैंसिलेशन करना ओवरड्यू इंपोर्ट बिल्स, वहाँ पे टीटी सेलिंग रेट नहीं लगेगा, या फिर कैंसिलेशन करना आउटवर्ड टीटी और एमटी, वहाँ पे भी नहीं लगेगा टीटी सेलिंग रेट। सही ऑप्शन हो जाएगा ई, बोथ बी एंड डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। व्हेन फॉरेन करेंसी इज फिक्स्ड एंड वैल्यू ऑफ होम करेंसी इज वेरिएबल इट इज कॉल्ड, बोलते जहाँ हो जहाँ पे फॉरेन करेंसी आपका फिक्स कर दिया जाता है, क्या कर देते हैं, फॉरेन करेंसी फिक्स कर दिया आपने, ठीक है, और जो वैल्यू होती है होम करेंसी की वो आप चेंज कर रहे हो बार बार, इसको वेरिएबल बना दे, चेंज कर रहे हो आप, ठीक है। इस तरह की चीज़ को हम क्या बोलेंगे, ए ऑप्शन है डायरेक्ट रेट, बी ऑप्शन है इनडायरेक्ट रेट, सी ऑप्शन है क्रॉस रेट, डी ऑप्शन है वेरिएबल रेट, ई ऑप्शन नन ऑफ दिस। जब फॉरेन करेंसी फिक्स कर दिया गया है, वैल्यू जो होता है होम करेंसी का चेंज हो रहा है, वेरिएबल है, इस तरह के जगह पे आपको कौन सा रेट लगेगा, तो ऑप्शन डायरेक्ट रेट, बी ऑप्शन डायरेक्ट रेट, सी ऑप्शन है क्रॉस रेट, डी ऑप्शन वेरिएबल रेट, ई ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो लगेगा वेरिएबल रेट, ठीक है, सॉरी यहाँ लगेगा डायरेक्ट रेट, नॉट वेरिएबल रेट, डायरेक्ट रेट लगेगा। कौन सा लगेगा, डायरेक्ट रेट लगेगा। जब फॉरेन करेंसी फिक्स्ड है, नेचुरल सी बात है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं जैसे यूएस डॉलर जो होता है, अगर आपको वन कर दिया है, आपको होम करेंसी हो गया रुपया, मान लेते हैं अभी रुपये जो चल रहा है 82 रुपये पे चल रहा है, 82 रुपये 82 पे, ओके, फिर बढ़ गया, फिर हो गया 82 रुपये, ऐसे चल रहा है मानते चलिए, तब आप क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, राइट, ये चेंज हो रहा है, बट ये चेंज नहीं हो रहा है, इस तरह की चीज़ को हम डायरेक्ट रेट बोलते हैं, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हेन होम करेंसी इज फिक्स्ड एंड वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी इज वेरिएबल इट इज कॉल्ड, अब बोलता है कि उल्टा कर दो, यानी आपका जो रुपये है एक, ठीक है, उसके बराबर में हम डॉलर को चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बराबर में हम डॉलर को चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं डॉलर में, जैसे कि 0.0015 ऐसे कुछ मान लेते हैं टू, अब यहाँ पे फिर से चेंज हो गया, समझ रहे बात, ये डॉलर आपका चेंज हो रहा है, ओके। तो ये आपका चेंज होते जा रहा है, बट ये चेंज नहीं हो रहा है, ये चेंज हो रहा है इधर से आपका, तो इसको हम क्या बोलेंगे वो पूछ रहे हैं, ये ऑप्शन डायरेक्ट रेट, बी ऑप्शन डायरेक्ट रेट, सी ऑप्शन है क्रॉस रेट, डी ऑप्शन है वेरिएबल रेट, ये ऑप्शन है नन ऑफ दिस। सही ऑप्शन हो जाएगा इनडायरेक्ट रेट बोलते हैं हम इसे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दो प्रकार के कोर्सेज, एक है शॉर्ट टर्म, दूसरा इन डेप्थ वीडियो, दोनों के दोनों कोर्सेज कर सकते हैं आप, अकाउंट में देखेंगे शॉर्ट टर्म कोर्सेज सबसे बड़ा फायदा है कि समय कम, मान लेते 10 मिनट के समय अगर हर दिन आप लगा के पढ़ते हो तो आराम से पेपर को पास कर जाएंगे। यहाँ पे 22 घंटे का वीडियो लेक्चर का लेंथ होता है, जिसको आप चाहो तो 1 से 2 दिन में पढ़ के इसको खत्म किया जा सकता है। इन डेप्थ वीडियो उनके लिए होता है जो थोड़ा समय दे के पढ़ना चाहते हैं, 75% नंबर एंड अबव लाना है, तो आप ये कोर्स करें, हर दिन आप 1 घंटे का समय निकाल के पढ़ें, 80 घंटे का यहाँ पे वीडियो लेक्चर का इसमें लेंथ होता है, ठीक है। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज एक स्टडी का वीडियो है, 12,000 से क्वेश्चन बैंक है, 30 मॉक टेस्ट रिविजन नोट्स है, यहाँ पे जो वैलिडिटी है 6 महीना, यहाँ वैलिडिटी है लाइफ लॉन्ग, ABM BFM रिटेल बैंकिंग कोई पेपर करिए दाम 1,000 रुपया, दाम है 1,500 रुपये, ABM प्लस BFM करेंगे दाम है 1,700 रुपया, दाम है 2,700 रुपये, कॉम पे करेंगे दाम है 2,300 रुपया, दाम है 3,500 रुपये। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे आपको डाला हुआ है, ठीक है। ज्यादा जानकारी के लिए फोन भी कर सकते हैं, फोन नंबर हो जाएगा 4×9 68 5127। ये वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट पर जाकर www.jibcibstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो जाएगा cdc973@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, थैंक यू वेरी मच।